टिकैत किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यों के दौरे पर कार्यालय उद्घाटन करने पहुंचे विकास नगर। जी हां, आपको बता दें कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत पहाड़ों में किसानों की समस्याओं का निराकरण करने और जायजा लेने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। उसी के दौरान आज टिकैत तहसील पेट्रोल पंप के सामने किसान समस्या समाधान कार्यालय का उद्घाटन करने विकास नगर पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्याओं के लिए कार्यालय खोला गया है। पत्रकारों के चुनावी प्रश्न को टालते हुए उन्होंने कहा 2022 में ही चुनाव को लेकर स्पष्ट करेंगे। पत्रकारों ने लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के समाधान को लेकर जब प्रश्न किया तो टिकैत ने मोदी सरकार को कंपनी की सरकार करार देते हुए कहा कि मोदी सरकार को वास्तव में मोदी नहीं बल्कि कंपनी चला रही है, इसलिए समस्या का समाधान अभी नहीं हो रहा है। समाधान होगा पर देर से होगा। पत्रकारों ने किसानों से जुड़ी समस्याओं की ओर उनका ध्यान केंद्रित किया तो टिकैत ने उत्तराखंड और हिमाचल के किसानों की तुलना करते हुए हिमाचल के किसानों के साथ ही वहां की शिक्षा को भी बेहतर बताया। वहीं इसके लिए कुछ पॉलिसी केंद्र व कुछ राज्य सरकार की होती है, उन्हें यदि बेहतर किया जाए तो समस्याएं हल हो सकती हैं। किसान हितैषी सरकार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा जब आंदोलन मजबूत होगा तो सभी सरकारें काम करेंगी अन्यथा नहीं। कैमरामैन रविंदर वर्मा के साथ रिपोर्ट रुद्र बहादुर थापा, ब्यूरो DCP न्यूज उत्तराखंड। ये विधानसभा का कार्यालय को यहाँ को इलेक्शन लड़ा जा रहा है, ये पार्टी का कार्यालय, ये तो जो किसानों की समस्या है ये विधानसभा वाइज थोड़ा खुला है, तो क्षेत्र में गांव वाइज खुल जाते हैं, गांव में भी खुल जा, ये सड़क पे यहाँ भी खुल जाए, तो किसानों की समस्याओं के लिए आए, ये पॉलिटिकल कार्यालय थोड़ा है। अरे अगर कहीं का प्रमोशन करने की बात हमने कर दी तो वो गलत है क्या भाई? किसको प्रमोशन नहीं चाहता? तो लखनऊ का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेट की समस्या है तो स्टेट सरकार ही करती है, जैसे उत्तराखंड की समस्या होगी तो उत्तराखंड की सरकार उसको समस्या का समाधान करेगी, जो यहाँ की पॉलिसी होगी, यहाँ के किसानों की समस्या होगी, मजदूरों की होगी, दुकानदार की होगी, वो भारत सरकार नहीं करेगी। बहुत पॉलिसी स्टेट की होती है, बहुत भारत सरकार की होती है, तो अगर स्टेट की यहाँ की है तो वो स्टेट करेगी, अगर पहाड़ की यहाँ की पॉलिसी है तो हिमाचल में आप देखोगे और उत्तराखंड में देखोगे, वहाँ का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो हाई है, एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का हो, वहाँ का किसान का हो, वहाँ के वेजिटेबल्स फल फ्रूट का हो, तो वहाँ का किसान का हाल देखो आप, यहाँ की आम जनता का देखो और वहाँ की जनता का देखो, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो चुनाव में गए थे वहाँ बंगाल में, यहाँ पे भी चुनाव है, तो चुनाव तो 22 में है, तो 22 में देख लेंगे चुनाव की बात, तो अभी तो नया मुख्यमंत्री बना, इसको काम करना चाहिए कुछ ना कुछ, हाँ टेंशन ना ले, ये आंदोलन में शामिल हो और जो पॉलिसी है वे पॉलिसी यहाँ पे लागू हो। यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी को अगर बढ़ावा मिलेगा तो उत्तराखंड की आम जनता उसका लाभ मिलेगा, सरकार मान नहीं रही। वजह क्या है भाई? वजह यह है कि अगर किसी पार्टी की सरकार होती, चुनी हुई सरकार होती और ग्राउंड लेवल पर सरकार ने काम किया होता तो वह जरूर बात करती, ये कंपनी की सरकार है तो कंपनी की सरकार थोड़ी सी दिक्कत करेगी, लेट मानेगी। हाँ भाजपा की होती वो तो बात कर लेती, हाँ भाजपा की तो नहीं, कंपनी की सरकार है, मोदी सरकार है और मोदी सरकार को कंपनी चलाती है। यहाँ के पहाड़ के किसानों की समस्या है, यहाँ पे आप अगर यहाँ विकास नगर से ऊपर चले जाओ, चक्राता और ये सैया इसाब मार्कटी, जो वहाँ से वेजिटेबल्स तैयार होता है, जो फल फ्रूट तैयार होता है उसका किराया भाड़ा ज़्यादा लगता है और वो कम कीमत पे बिकता है, तो सरकार को ये चाहिए कि उसको कीमत अगर देनी है, उसको अगर दिल्ली की मंडी करानी है तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी सरकार वहन करे। कहाँ है जाट आंदोलन? तो नहीं, यहाँ तो नहीं मुझे कोई जाट लग रहा है, यहाँ बताओ भाई मुझे वो जाट आंदोलन कहाँ से आ गया? ये तो किसानों का आंदोलन है, मजदूरों का है और भूमिहीन किसानों का है, मछुआरों का है, ये तो जातिगत तो आंदोलन नहीं है। पता नहीं भाई, हमें तो नहीं पता, हम तो आंदोलन अगर ठीक रहेगा तो सारी पार्टियाँ सब ठीक काम करेंगे, आंदोलन कमजोर रहेगा तो कोई नहीं काम करने का, आंदोलन प्रायोरिटी पर रखो। और विपक्ष अगर पढ़ाई जी इतना बड़ा आंदोलन कर लो तो फिर तो जरूरत ही किसी की नहीं है, कहाँ है विपक्ष वाले? एक आधा कोई मिले तो बात करवाइए उनसे हमारी, विपक्ष वाले तो यहाँ तो ना सत्ता वाला आ रहा ना विपक्ष वाला आ रहा, आ नहीं रहा कोई सा, विपक्ष भी देश में कमजोर सा लग रहा है कुछ, हाँ यही यहाँ होगा गुंडागर्दी, सरकारी गुंडागर्दी देखी कभी? कभी पुलिस के थाने में कोई गया रात को तोते की ढाल बोल रहे सारे,
काम करना है जी, सब मैं करा। उसने चे चोरी करी या नहीं करी? कह रहे जी बिल्कुल मैंने करी। तो भाई पुलिस के दम पे अगर काम करे जा रहे उस तरह की सरकारें चाहिए तो भाई ले आओ। इसमें जो किसान है उनका तो समर्थन रहता है, हमारा आम आदमी का नहीं, जो किसान दिल्ली का है जी। दिल्ली सरकार की ओर से क्या सरकार को हमारा कोई सरकार सरकार का हमारा कोई वो नहीं रहता, चाहे वो कहीं की भी सरकार। हम क्या बता भाई क्या रहेगा, अभी तो 22 में चुनाव, अभी तो जो समस्या है उस पर बात कर लेते हैं, हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं।